खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा, दाग आपकी वजह से लगा था तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? इसे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माँ की जिंदगी के बारे में। हाँ तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते हैं और उनको अपनी गलतियों को साफ दिल से कबूल करना चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कभी कोई ठीक मौका आया ही नहीं है। नॉट फेयर अम्मी, आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो चींटी के भी पर निकल आए। खैरियत से आए तुम? वो जी बस ये मछली और वो साशा को ड्रॉप करने। मेरा काम कर लिया? जी वो सुबह पेपर्स मिल जाएंगे आपको। वाह भाई वाह मिस्टर एंड मिसेस कुतुबुद्दीन, वैसे आपस में नहीं बनती मगर औलाद के खिलाफ इत्तेहाद, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। अम्मी अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंकाओ। जाओ जाओ फ्रिज में रखो। समंदर क्या? जाओ फ्रिज में रखो। क्या जरूरत थी तुम्हें उसको थप्पड़ मारने की? तो आपको डिफेंड कर रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी वो। कर ऐसा भी क्या, तुम हद करती हो बिचारी। हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। दाग आपकी वजह से लगा था तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें लगवाना है तो बताओ। रस्सी जल गई, बल्ब ना गया। चूंटी क्यों काट रही है तुम्हें? ओ तुम्हारे हाथ काट चुके होते प्रोफेसर साहब अगर एन उसी टाइम पर तुम्हारी चोरी का भांडा फोड़ देता। चोरी? कौन सी चोरी? वही वही जिसके लिए कई घंटे तुम बंद रही थी ना मेरे कमरे में। हाँ तो मुझे जिद चढ़ गई थी, तुम भी तो मुझे यूएसबी नहीं दे रहे थे अब्बा की। ओ अपने पंजे उठाकर मुझे मत नोचो और बताओ कौन सा खजाना निकला उस यूएसबी में से। बब्बा के पास कौन से कारून का खजाना है? जितनी तुम पागल और बेचैन हो रही थी ना इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई जो गार्ड निकाला है तुमने उसमें से। मैं क्यों निकालूंगी? तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर चाहिए थे ना प्रोफेसर साहब के लिखे हुए। एग्जैक्टली वही चाहिए थे। मेरे किस काम के भला? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी उस दुमचली हिरा के, इसलिए तो वो मछली की तरह तड़प रही थी। तुम इल्जाम लगा रहे हो। एक मिनट मेरी तरफ देखो। मैं नहीं देख रही। ओके मैं इधर आ जाता हूँ। क्या तकलीफ है? मुझे नहीं तुम्हें है, जो अब सारी बात मुझे समझ आ चुकी है। क्यों चाहिए थे वो यूज भी तुम्हें? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं है। शर्म करो, दो टके की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी? उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। गलत अंदाजे लगा रहे हो तुम। अब जाकर तो तीर लगा निशाने पर।